तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। तो आज की वीडियो में आपको मैं लेके चल रहा हूँ प्रेमनगर आश्रम, जो कि आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा। बट उस दिन यार यहाँ पर भागवत चल रही थी और भागवत की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि हमको एंट्री नहीं हुई। तो आज ये पूरा का पूरा आश्रम एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर की फैसिलिटी उसके बारे में सारी की सारी आपसे बात करेंगे। तो गाइज़, अभी मैं रानी इस गेट के मेन चौराहे पे खड़ा हूँ, मतलब मेन गेट पे खड़ा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा रानीपुर मोड़ है। और आगे से मतलब रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी समथिंग 3.7 किलोमीटर्स है, और आप यहाँ पर आ सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो प्रेमनगर आश्रम का। तो गाइस, हम आप देख सकते हैं अंदर आज इंटरनल पार्ट से आज यहाँ पर भागवत नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ये है यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार। तो गाइस, बात करते हैं प्रेमनगर आश्रम के बारे में। तो हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार के भारी थोड़ा सा भारी इलाके में, मतलब मेन हरिद्वार में नहीं है। इसे 1943 में श्री हंस महाराज द्वारा बनाया गया था, जो कि सतपाल महाराज जी के फादर थे, ठीक है गाइस। तो उनके बाद उनकी धर्मपत्नी द्वारा इसको विकसित किया गया। यह हरा भरा और शांत परिसर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान का केंद्र है, जहाँ पर आप सामने ये फोटोज देख रहे होंगे। ये फोटो सतपाल महाराज जी के माता और पिताजी की फोटो है, जिन्होंने इस महान प्रेमनगर आश्रम को बनाया है, बनवाया है, और ये उनकी प्रतिमा है। और यहाँ पर ध्यान, योग, सब साधना वादना सब की जाती है। और यहाँ पर ये उनका मानसरोवर कक्ष है, जहाँ पर कि सत्संग चलता है, और सत्संग के द्वारा यहाँ पर लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें बताई जाती है, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस जो उद्यान है प्रेमनगर आश्रम, इस उद्यान के अंदर आपको 250 प्रकार के पेड़ पौधे और फूल झाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है गाइस। इसमें से इनमें 5 पेड़ ऐसे हैं जो एक साथ उग रहे हैं। ये प्रेमनगर आश्रम 800 कमरों से सुसज्जित है। इसमें आप इन कमरों में आपको फुल्ली फैसिलिटी मिल जाएगी, एसी, नॉन एसी और नॉर्मल रूम्स। दोस्तों, ये जो आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में आपको 300 से स्टार्टिंग रूम मिल जाता है, और बाकी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पर रूम देख सकते हैं। तो गाइस, कम से कम 800 कमरे इसके अंदर बनाए गए हैं, बाकी कार्य यहाँ पर प्रगति पर है। इसे सतपाल महाराज जी की देख रेख में इसकी जो विकास है, इसके विकास में दिन दुगनी और रात चौगनी विकास कर रहा है। तो गाइस, अभी यहाँ पर फवारे हैं, इन फवारों का भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हर बुधवार और शनिवार को, बुधवार और रविवार को साउंड एंड लाइट का एक शो का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लाइटिंग का जो शो चलता है वो रात को चलता है, ठीक है, साउंड और लाइट के द्वारा, ठीक है। मन की शांति प्राप्त करने में मदद करने के लिए ध्यान और योग कक्षाएं यहाँ पर रखी गई हैं, और जिन पे आप अपने ध्यान और योग कर सकते हैं सुबह और शाम, जब भी आपको टाइम मिले। थोड़ा इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आश्रम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर दूर है, और देहरादून के हवाई अड्डे से 43 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो दोस्तों, सतपाल महाराज जी यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने अपने पिताजी का नाम रोशन करने के लिए अब पहाड़ों में एक हंस फाउंडेशन का निर्माण किया है, जो कि आप लोग उसे भली भांति जानते होंगे। आपके यहाँ इलाकों में वो गाड़ियाँ आती होगी हंस फाउंडेशन के नाम से, और वहाँ पर आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं वो आपको, आप उसके बारे में भी बिल्कुल रूबरू होंगे, है ना। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो हर हफ्ते एक दिन किसी एक गांव में जाती है, मतलब एक जो हमारा गढ़वाल का वो हिस्सा होता है, जैसे कि आप सब बोलो पट्टी कहते हैं जिसे, तो हर एक हफ्ते में एक पट्टी को वो क्रॉस करती है वो गाड़ी,
तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनकी फैसिलिटी हो सकता है, उनका कुछ गांव भी डिवाइड किए होंगे कि इस बार को इस दिन को यहाँ पर इतने बजे आएंगे हम, तो उनका कुछ ऐसा टाइम भी होता है। पर हमारा यहाँ शायद मुझे लग रहा है वो 10 या 15 दिन में एक दिन आ जाती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है लोगों को। तो गाइज़ ये फूल आप देख रहे होंगे यार, हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फूल होता है, आपको पता है इसके बारे में, इसको हम लालटेन का फूल या जहर का कांटा बोलते हैं ना, तो वही है ये यहाँ पर। उसको ना देखो इसका कलर बस ज़रा थोड़ा वैरायटी चेंज हो गया, इसका कलर जो है ना वो लाल हो गया, गांव में हमारे पहाड़ों में ये पीला होता है, देखो कितना मस्त लग रहा है यार ये। हाँ तो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं प्रेमनगर आश्रम से दर्शन करके, और आपने देख भी लिया होगा कि किस क्या आपको आश्रम लगा है, तो आप उसकी लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं वहाँ उसके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हरिद्वार पे, और हरिद्वार हर की पौड़ी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे, वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, आज हर की पौड़ी हरिद्वार में क्या क्या सीन चल रहा है ना, तो वहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे। बाकी प्रेमनगर आश्रम आपको कैसा लगा उसके लिए लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। चलो 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 चलो, कहाँ तक जाओगे साहब, इधर जाओगे, मेरा मेरा स्टूडेंट, हाँ मेरा स्टूडेंट, हरिद्वार में। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइस चलते हैं भाई के साथ, और भाई हरिद्वार जा रहे हैं, हर की पौड़ी जाओगे क्या है, तो चलो हर की पौड़ी तक, बहुत बढ़िया लिखते हैं भाई के साथ, तो निकलते हैं यहाँ के सर के साथ और इन्जॉय करते हैं आज के बोर्ड ब्लॉक का भाई के साथ चैटिंग। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के एरिया में, एक्चुअली वो भाई हर की पौड़ी गया यार, और वो जा रहा था पर वो हाईवे से होके जा रहा है, बहुत लंबा मतलब घूम के जाना पड़ेगा उसे, तो मैं यहीं पर उतर गया और यहाँ से मैं सोचा कि आपको नज़ारे दिखाते हुए चलूं। चलिए सर, भाई किसके लिए जा रहा है, भाग के भाग के। रानी प्रमोद है, आप वहाँ जाओगे, सुबह जाने का मतलब कहीं जाऊंगा। अच्छा तो गाइज इस वाली राइड पे मतलब इस वाली लिफ्ट पे जो अंकल जी मिले ना बहुत ही फनी टाइप के थे, तो उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। मैंने उनको बोला कि मैंने यहीं पर उतरना है रानीपुर मोड़, तो मैंने उन्होंने कहा तुम कहाँ जाओगे, मैंने कहा मैं सेक्टर 4 जाऊँगा, तो चलो बोले मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा अंकल आप कहाँ जाओगे, अंकल ने कहा मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या मतलब, आपको तो सिर्फ बैठने से मतलब है, आप इंजॉय करते रहो। बाद में पर अंकल ने बताया कि मैं वहीं धीरवाली में रहता हूँ, और मेरा कुछ काम था इधर इधर हर की पौड़ी की साइड पे, तो मैं वहाँ पर आ रखा हूँ, वहाँ पर मेरा काम हो गया, तो मैं इधर अब निकल के तरफ जा रहा हूँ। तो ये लिफ्ट जो है गाइस मुझे बहुत ही बढ़िया वाली लिफ्ट मिली, मतलब पूरा घर तक ही लिफ्ट मिल गई ऐसा समझो आप, नहीं तो मुझे तोड़ तोड़ के आना पड़ता। ये लिफ्ट मुझे पूरी अच्छी मिली, बहुत ही बेहतरीन मिली, तो थैंक यू फॉर अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी लिफ्ट देने के लिए, आपका प्यार और आशीर्वाद हम पे बने रहे। अंकल जी ओके, थैंक यू अंकल जी, भाई अंकल ने बहुत बड़ी लिफ्ट दे दी अंकल ने, यहीं तक पहुंचा दिया मुझे, मतलब घर के सामने ही पहुंचा दिया यार, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, बस एक ब्लॉगर के लिए ऐसे ही मिलते रहे, प्यार बांटते रहे। अंकल जी कह रहे कि मेरी वहाँ दुकान है, तो दुकान में सामान तुम वहाँ पर कुछ पता नहीं कुछ नाप नूप लेने गए थे, वो स्टील विस्टील का वर्क करते हैं। ये मेरा रास्ता है ट्रैकिंग का पैदल पैदल, अब यहाँ से भी उतना ही पड़ता है, सेक्टर 4 से भी उतना ही पड़ता है, बात बराबर ही है, किसी भी रास्ते से आओ आप, उधर से आओ चाहे इधर से आओ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।
तो गाइस चलते हैं, आज की वीडियो को करते हैं यहीं क्लोज और मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। लाओ सर, रुक जाओ रुक जाओ, ले आता हूँ। अरे सामान गिर गया। ओके।